हेलो जमशेदपुर वालों, आज का वीडियो आपके लिए है। आई नो यू गाइज वॉन्टेड अ जमशेदपुर वीडियो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और आज का दिन कुछ ऐसा ही है। ये वीडियो बनता है क्योंकि स्टीव आमरी और एलन स्टेवानोविच दोनों क्लब को छोड़ के चले गए। स्पेशली एलन स्टेवानोविच का जाना मुझे बहुत हद तक बुरा लगा, बिकॉज मुझे लगा था कि एलन स्टेवानोविच विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट फॉरिनर्स इन इंडियन फुटबॉल, एंड सब कुछ वैसा ही पॉइंट आउट कर रहा था। सो इट्स एक्चुअली सैड डे। मैं तीन फॉरिनर्स मेरे थे जिनके ऊपर मैंने बहुत नजर टिकाई रखी थी, दो तो ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो चुके हैं, इब्सन मेलो और एलन स्टेवानोविच, और स्टीव आमरी अनदर प्लेयर जो फ्रेंच लीग यूरोपा लीग सब कुछ खेल चुके हैं, बट इंडियन फुटबॉल में उनको सूट नहीं किया। एज अ रिजल्ट वो इंडियन फुटबॉल में अब राइट नाउ ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड ही हैज डिसाइडेड ही विल लीव। बट फुटबॉल किसी के लिए नहीं रुकता, द शो मस्ट गो ऑन। सो एज अ रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा हु आर द प्लेयर्स दैट द टीम कुड रिप्लेस। और मैं पहले ही बोल दूं जमशेदपुर फैंस, यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के नाम रखे जो फॉरेनर्स हैं। एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पे जमशेदपुर कौन पांच से प्लेयर साइन कर सकते हैं जो टीम को इम्प्रूव करेगी, वहां पे इंडियन प्लेयर्स होंगे, बट इस वीडियो में सिर्फ फॉरेनर्स होंगे क्योंकि एलन स्टेवानोविच और स्टीव आमरी के रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और इन प्लेयर्स में से आप एक को खरीद सकते हो या दो प्लेयर्स को खरीद सकते हो। सो गाइस, पहला नाम है नन अदर देन ऑसवाल्डो एलानिस, और लोग ऑसवाल्डो एलानिस को बिल्कुल जानते होंगे। ऑसवाल्डो एलानिस हैदराबाद एफसी के प्लेयर थे, हैदराबाद एफसी के लिए खेल रहे थे, फिनेंस इशू के लिए, नॉन पेमेंट ऑफ फिनेंस, नॉन पेमेंट ऑफ रिपोर्ट, इन सब चीजों के लिए बेसिकली उनका सैलरी नहीं पे करने के लिए वो अब चले गए हैं अपने कंट्री में। तो अब सवाल है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी पेचीदा है। फर्स्ट, क्या इस ऑसवाल्डो एलानिस करेंटली हैदराबाद एफसी फुटबॉलर? क्या अब वो हैदराबाद एफसी है ना कि वो रिलीज हो चुके हैं? लेट्स से अगर वो हैदराबाद एफसी के प्लेयर है, देन यू कैन बाय हिम आउट बाय पेइंग द मनी। ऑलरेडी उनके साथ क्लब का रिलेशन टूट चुका है, सो थोड़े बहुत पैसे देके ही वो आ जाएंगे, दैट्स वन थिंग। दूसरी बात, अगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर चुके हैं ऑसवाल्डो एलानिस, देन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इजिली आप उनको खरीद सकते हो। और जितना मैंने उनका गेम देखा है, ऑसवाल्डो एलानिस विल डू अ प्रीटी गुड जॉब एट जमशेदपुर एफसी। क्यों प्रीटी गुड जॉब? देखो, मैं पहले ही बोल दूं, कोई भी एम्बिशियस नेम सोचना बंद कर दो। जनवरी ट्रांसफर विंडो में बड़े साइनिंग्स नहीं आते, यू विल गेट बॉटम ऑफ द बैरल टाइप साइनिंग्स, जहां पे आपको जाने माने प्लेयर्स, आसपास के प्लेयर्स, एंड मोर देन एनीथिंग ऐसे प्लेयर्स जो इंडियन फुटबॉल में एक्सपीरियंस्ड है और पास्ट में खेल चुके हैं, यही आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। सो ऑसवाल्डो एलानिस एक वीक हैदराबाद टीम के सेंटर बैक के रोल में खेल रहे थे, और वो आने के बाद टीम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ढूंढ पा रही थी, और ऑसवाल्डो एलानिस डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ मेक्सिकन प्लेयर, उनके पास कुछ एबिलिटीज है जो जमशेदपुर बहुत इजीली काम में लगा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एलसिनियो को सीडीएम में भेज सकते हैं बाय प्लेइंग ऑसवाल्डो एलानिस। एलानिस के पास अच्छी हेडिंग स्किल्स है, एलानिस इज गुड विद द बॉल एज वेल, और खलीद जमील के सिस्टम में मे बी गुड विद द बॉल उतना काम नहीं आएगा, बट उनकी हेडिंग एबिलिटी जरूर काम आएगी। और ऑसवाल्डो एलानिस का गेम रीडिंग एबिलिटी, जो गेम रीडिंग एबिलिटी है कि भाई यहां से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि हैदराबाद के दो फुलबैक स्पेशली निखिल पुजारी जब ओवरलैप करते थे, ही कांस्टेंटली यूज्ड टू टेक द पोजीशन, और जो सिस्टम खालिद जमील खेलते हैं उसमें दो फुलबैक शायद थोड़े बहुत अटैकिंग खेल सकते हैं। इन दैट केस ऑसवाल्डो एलानिस का जो वाइड एरियाज में डिफेंडिंग एबिलिटी है वो भी जमशेदपुर के काम में आ जाएगा। सो ऑसवाल्डो एलानिस विदाउट अ डाउट विल बी माई फर्स्ट नेम। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर फोर, और ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ऐसा है नहीं कि भाई ये नया हो रहा है, मैं हर ही वीडियो में बोलता हूँ कि जोएल चियानेजे को खरीद लो, लोग नहीं खरीदते, बट मैं फिर से और एक बार बोलूंगा, जोएल चियानेजे कैन बी अ सोल्यूशन। आप दो स्ट्राइकर, एक विंगर और एक स्ट्राइकर को छोड़ रहे हो, सो इफ यू वांट अ स्ट्राइकर, जोएल चियानेजे कैन बी योर स्ट्राइकर। और भाई एबिलिटीज बार बार बोल के मैं पकाऊंगा नहीं, क्योंकि जो हमारा वीडियो हर रोज देखते, यू नो एवरीथिंग अबाउट जोएल चियानेजे, मैं 20-25 बार डिस्क्राइब कर चुका हूं, सो आई विल नॉट डू इट टुडे। बट जोएल चियानेजे कैन बी एन ऑप्शन, कैन प्रोवाइड अ बैकअप, कैन प्रोवाइड प्लेयर्स सपोर्ट स्ट्राइकर ऑफ डैनियल चिमाचुकवू, बट जब अगर टीम को जरूरत पड़ती है टू अगेन होल्ड अप द प्ले बाय हैविंग अ गुड बॉल कंट्रोल, वो काम भी जोएल चियानेजे कर सकते हैं, बेसिकली वही करते थे हैदराबाद के लिए, सो दैट इज समथिंग द टीम कैन ऑलवेज डू। और जो लोग कमेंट कर रहे हो, थैंक यू गाइज, आपके हर एक कमेंट का आंसर दूंगा, बट एट फर्स्ट लेट्स डू द फर्स्ट थ्री नेम्स, उसके बाद सब कुछ होगा। Now moving on to number 3, another player who you guys know, हमारे हर एक वीडियो में इस बंदे का भी नाम आता है, that is none other than Victor Mongil,
और विक्टर मोंगिल के बारे में मैं वही चीज बार 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 बोलता हूं, अगर ऑस्वाल्डो एलानिस आपको नहीं मिलते, ऑस्वाल्डो एलानिस का अगर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थोड़ा मुश्किल में हो जाता है, देन विक्टर मोंगिल इज द इजी सोल्यूशन इंडियन फुटबॉल में। जाने पहचाने ISL विनर विद ATK, केरला के लिए फाइनल खेल चुके हैं, ही इज अ लीडरशिप मटेरियल। जमशेदपुर के पास यंग प्लेयर्स की कमी है, ही विल फिल दैट रोल। ही इज अ नो नॉनसेंस डिफेंडर, परफेक्ट टाइप ऑफ डिफेंडर जिनको आप टीम में लेना चाहोगे। खालिद जमील के टीम में ही लव्स प्लेयर्स हु आर लाइक विक्टर मोंगिल, जो लीडरशिप है उनके पास, बहुत अच्छे डिफेंडर है, नो नॉनसेंस डिफेंडर है, कोई ट्रिकरी कोई स्किल्स करने की कोशिश नहीं करते। ही सिंपली क्लियर्स द बॉल आउट, ही सिंपली लीड्स द डिफेंस और अपने डिफेंस को एक लाइन में रख सकते हैं। Who will he want? अगर आप दो ऑप्शंस दो खालिद जमील को कि ऑस्वाल्डो एलानिस या विक्टर मोंगिल, मैं गारंटी देता हूं 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही विल पिक विक्टर मोंगिल, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट हिम। फ्री एजेंट है, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, एंड यू विल गेट अ क्वालिटी फुटबॉलर इन योर साइड एज वेल। सो गाइज, थोड़े बहुत कमेंट ले लेते हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो भाई, सीरियसली वेटेड। थैंक यू जाहिद, आपका वेट कंप्लीट हो चुका है। हाय भाई, हाय साइलेंट किलर। राहुल बेकर, UBFC टू मच ट्रू है क्या? जितना मुझे पता चल रहा है, मे बी देयर इज सम सेंस ऑफ ट्रूथ इन दैट एज वेल। लेट्स स्टार्ट बडी, यस वी विल स्टार्ट। सो आई प्रांजित सिंह, हाय, हेलो 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 प्रांजित, आई थिंक यू हैव सम मेन मिस्टेक्स विद टाइमिंग 10:40 इंस्टेड ऑफ 11। नहीं भाई, 10:40 में ही वीडियो करना है, एंड आई एम डूइंग नोटिस यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कोई साइनिंग नहीं है भाई, आई लव यू UPS। जब आएगा मैं जरूर बोलूंगा भाई, BFC पे वीडियो बनाओ, जरूर बनाऊंगा, डोंट वरी, देयर विल बी वीडियो अबाउट BFC एज वेल। वरीड अबाउट हाउ JFC विल परफॉर्म अंडर खालिद जामिल, डोंट वरी, एज अ स्टॉप गैप बंदा इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता। धीरज सिंह कंफर्म हुआ कि अब तक नहीं, बट गाइज लेट्स नाउ मूव ऑन टू द कंटेंट। टॉप टू पिक्स दैट शुड रिप्लेस इज जॉनी काउको। जॉनी काउको का नाम मैं इसलिए लूंगा क्योंकि जॉनी काउको राइट नाउ इज इन रीहैब, और जॉनी काउको के साथ भी थोड़ा हद तक ऐसा सिचुएशन है, थोड़ा सिमिलैरिटी है। किसके साथ थोड़ा सिमिलैरिटी है? ऑस्वाल्डो एलानिस के साथ। क्यों ऑस्वाल्डो एलानिस? ऑस्वाल्डो एलानिस करेंटली हैदराबाद के एम्प्लॉयड प्लेयर है या फ्री एजेंट है, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, ये हमें पता नहीं है। सेम हैपेंस विद जॉनी काउको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट जॉनी काउको का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। बट द ट्रूथ इज, जितना मैं जानता हूं, मोहन बगान के मैनेजमेंट में जॉनी काउको को उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म होगा, और उनको अभी भी टीम के साथ रखे हुए है, वो अपने कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड मे बी ही कैन मेक अ कमबैक इफ द टीम नीड्स एज वेल। बट लेट्स टेक द टू केसेस। फर्स्ट केस, अगर मोहन बगान के साथ जॉनी काउको का कॉन्ट्रैक्ट है, जितना न्यूज हमें मिल रहा है फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस, मोहन बगान शायद एक फॉरेनर को छोड़ सकती है, दैट माइट बी अरमांडो सादिकू, बट उनके जगह में मोस्ट प्रॉब्ली एक CDM आने वाले हैं, और एक जो रूमर है कि वो एक ही सिर्फ इंडियन प्लेयर लेंगे, दैट विल बी चिंगलिंग साना सिंह। इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि जॉनी काउको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में हाई में होंगे। सो मोहन बगान के अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, दे विल लीव जॉनी काउको टू टेक, और अगर जॉनी काउको फ्री एजेंट होते हैं, देन यू कैन इजीली गो, और जॉनी काउको विल प्रोवाइड द टीम विद द सेम रोल। एक टाइम पे एलेक्स लिमा जो रोल प्ले करते थे जमशेदपुर के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ ओएन कॉल, वही काम खालिद जमील के सिस्टम में करेंगे, दैट इज नन अदर देन खालिद जमील के सिस्टम में हमारे जॉनी काउको। फिनिश प्लेयर, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, डिफेंसिव प्रेजेंस है, ऑफेंसिवली बहुत अच्छे है, हर एक गेम में 2 से 3 बिग चांसेस क्रिएट करके आपके हाथ में देते हैं। हिम विद डैनियल चिमाचुकवू विल बी लाइक अ चीट कोड, जहां पे इजीली आप अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो उनसे। एंड मोर देन एनीथिंग, जॉनी काउको इज हंग्री, ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ। ACL इंजरी के बाद लौट रहे हैं, मे बी उनका पेस थोड़ा कम होगा, बट भाई पेस की क्या जरूरत है? खालिद जामिल के सिस्टम में मिडफील्डर्स जो फॉरेन मिडफील्डर्स होते हैं, वो कभी भी पेसी नहीं होते थे। एट वन टाइम बाजू अरमान उनके अंडर में खेलते थे, ही वॉज नॉट पेसी। जब उनके अंडर में आप देखो गायगो और मचाडो, वो खेलते थे एट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, उस टीम का डायनामिक्स थोड़ा अलग था। उनके अंडर में, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनके जो टीम में जो प्लेयर खेलते थे, द प्लेयर्स विच यूज टू प्ले अंडर खालिद जमील, ही डजंट नीड पेसी प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, ही नीड कंपोस्ट प्लेयर्स जिनके पास थोड़ा डिफेंसिव एबिलिटी हो, कि डिफेंस में भी थोड़ा आके मदद हाथ बांट सके, और उसके बाद फॉरवर्ड लाइन में भी जाके आपको अटैकिंग बॉल्स प्रोवाइड कर सके, एंड ही विल डू अ डिसेंट एनफ रिजल्ट विद द टीम एज वेल। सो जॉनी काउको इज अ नो ब्रेनर फॉर देम। जॉनी काउको, यू कैन इजीली साइन हिम, a brilliant player with brilliant footballing abilities. So bhai, transfer news kab aayega? Bhai, transfer news kuch hai nahi to kaise la? Why can't manufacture transfer news bhai? Bhai, AFC Asian Cup ko watch along karoge kya? Bhai, I want to do. And if I do, I will make sure that you guys know.
राहुल बेगे टू बेंगलुरु एफसी, आज ही ये न्यूज पता चला है, बट वी डोंट नो इफ इट इज रिलायबल और नॉट। एफसी गोवा न्यू साइनिंग, देयर इज नो एफसी गोवा न्यू साइनिंग न्यूज अप अंटिल नाउ। शायद एफसी गोवा कोई भी ट्रांसफर ना करे जनवरी के महीने में। द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस दे वोंट डू एनी ट्रांसफर इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। एनयूएफसी नेक्स्ट स्ट्राइकर कैन बी एनीवन। मैंने कल ही वीडियो किया है 3 players विच कुड रिप्लेस हिम, सो वो वीडियो देख लेना गाइस, आपको अच्छा लगेगा शायद। ब्रदर एलसिनियो कैन ऑल्सो डू गुड डिफेंसिव वर्क इन मिडफील्ड इंस्टेड ऑफ इन डिफेंस, आई अग्री। बट जॉनी काउको सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्डर है नहीं भाई, जॉनी काउको विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस, सो आई थिंक ही विल बी वेरी गुड भाई। ब्रो भेके टू बेंगलुरु, इज दिस ट्रू? I will make a news tomorrow afternoon. You guys will see then if it is true or not. क्योंकि देखो भाई, it's a rumor up until now. But guys, चलो now moving on to the last name on the list, जो इस list को complete करेंगे, that is none other than Nohede Crizo. और जो लोग Crizo के बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा बता दूँ। Crizo basically Jamshedpur में अगर आते हैं, he will come from Real Kashmir. वो Real Kashmir के striker है. He is a coated ivory, basically Ivory Coast के striker है. और Uzbek champion भी past में रह चुके हैं. And has played for some of the famous clubs. Loko Tashkent जैसे club के लिए खेल चुके हैं. He has played for Efshli Shlushk and बाकी सब clubs के लिए भी खेल चुके हैं. In Indian football, he has played for Real Kashmir, Churchill Brothers, और उसके अलावा भी भवानीपुर एफसी, और इसके बाद इस सीजन वो फिर से रियल कश्मीर आ गए हैं। और इस सीजन में उनका परफॉर्मेंस हैज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। 10 games में 5 goals and 4 assists। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई Crizo, Crizo जैसा बंदा तो भूटान में खेल चुका है, व्हाई विल यू जस्ट नेम Crizo इन ISL? भाई ठंडे दिमाग से सोचो, इफ यू गाइज वॉन्ट अ स्ट्राइकर, 2 players के आपको लेने पड़ेंगे, यू हैव टू टेक टू प्लेयर्स। एक एलन स्टेवानोविच का रिप्लेसमेंट, एक लेना पड़ेगा स्टीव आर्मी का। एलन स्टेवानोविच की जगह में आप CDM, सेंटर बैक, ये सब ले सकते हो। बट इन प्लेस ऑफ द स्ट्राइकर, मतलब इन प्लेस ऑफ स्टीव आर्मी, यू विल हैव टू टेक अ स्ट्राइकर। और अगर आपके पास मार्केट में जोएल चियानेज़े है, बेसिकली ही इज वन ऑफ द स्ट्राइकर्स, बट क्या क्लब इंटरेस्टेड होगी? बिकॉज ही विल टेक अ साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी। एंड एज फार एज आई नो, जमशेदपुर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पसंद नहीं करते। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी गुड प्लेयर, ज्वेल चियानेज़े का मैच फिट होंगे? ये एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट। सो कौन बैठता है फिट सारे क्राइटेरियाज में? Nohede Crizo, ही इज ओनली 26 years old। ही इज वेरी पेसी, इंडियन फुटबॉल में खेल चुके हैं, फ्रॉम टॉप डिविजन टू लोअर डिविजन सारे जगह में खेल चुके हैं। सब कॉन्टिनेंट फुटबॉल का उनको बहुत अच्छे से मालूम है। ही हैज प्लेड इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ भूटान एज वेल, सो हमें पता है कि ही इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद द कूल हॉट सब टाइप के एटमोस्फियर से। इज ही इनफॉर्म प्लेयर? ही इज अ परफेक्टली इनफॉर्म प्लेयर। क्या वो सपोर्ट स्ट्राइकर का रोल खेल सकते हैं? ही कैन प्ले द सपोर्ट स्ट्राइकर ऑफ डेनियल चिमाचुकू। क्या वो टीम के अकेले स्ट्राइकर बन सकते हैं नंबर 9? यस, ही कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ पोचर। विल ही कॉस्ट अ होल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी? बिल्कुल नहीं, बहुत कम पैसों में आ जाएंगे जमशेदपुर में, फ्रॉम रियल कश्मीर एफसी। और जो लोग Crizo के बारे में और भी जानना चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, Crizo इज अ परफेक्ट टाइप ऑफ स्ट्राइकर्स जिसको हम आई लीग में एक टाइम पे देखते थे। ही हैज ऑल दोस थिंग्स। देखो, ही मे नॉट बी एज फ्लैशी एज जेसन कमिंग्स, अरमांडो सादिकू, ही माइट नॉट बी वेरी टेक्निकली साउंड लाइक कार्लोस मार्टिनेज, ना वो नोआ सादोई की तरह उनके पास वो ड्रिबलिंग स्किल्स होंगे, बट ओवरऑल इन हिज करियर ही इज अ डिसेंट इनफ सेंटर फॉरवर्ड जो लेफ्ट विंग और अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। बेसिकली अपने पूरे करियर में सपोर्ट स्ट्राइकर का रोल उन्होंने बखूबी निभाया है। एंड अगर आप मुझसे पूछो, इफ यू गाइज आस्क मी व्हाट इज माय टेक ऑन दिस वन, Nohede Crizo विल बी द बेस्ट बाय, क्योंकि कम पैसों में आपको एक इनफॉर्म प्लेयर मिलेगा जो गोल मारेगा आके। और इस एक चीज आपको बोल दू, ही हैज नॉट ओनली स्कोर 5 goals, ही हैज प्रोवाइडेड 4 assists। और वो एक लिंकअप बना सकता है किसके साथ? ही कैन मेक अप अ लिंकअप विद समवन लाइक अ डैनियल चिमाचुकू। और चिमाचुकू और Crizo के पास फिजिकैलिटी है, हिडिंग अबिलिटी है, उनके पास बॉल होल्डिंग अबिलिटी है, एवरीथिंग दैट्स खालिद जमील वांट्स। और आज का लिस्ट मैंने यही चीज दिमाग के रख के बनाई है कि खालिद जमील को कौन से प्लेयर्स ज्यादा पसंद आए गए। इट्स एब्सोल्युटली अबाउट खालिद जमील एंड खालिद जमील ओनली, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट बंदे होने वाले हैं अपने टीम के लिए विदाउट अ डाउट। हॉर्मीपाम एंड सना टू BFC, हॉर्मीपाम का ये जो न्यूज है ये सच हो सकता है, एज पर सना, मोहन बागाना लीडिंग द रेस। What about Mohammad Nawaz? Why NFC not targeting him from Mumbai? क्योंकि शायद मुंबई उनको ना छोड़े, and even he I don't think he will want to leave Mumbai. क्योंकि गोवा से वो मुंबई में आया है, he is the second goalkeeper. But सच बात तो ये है, धीरज सिंह is more suitable, I think, with the
idea that Juan Pedro Bonali wants, maybe. But again, if you take Mohammad Nawaz, there is nothing much to say about. क्योंकि वो भी आप ले सकते हो. Odisha FC का quality player चाहिए AFC Cup के लिए, भाई ज्यादा कुछ changes नहीं होंगे. Odisha FC जिस तरह से आई है वही करेगी. एक या दो domestic signing हो सकते हैं इधर उधर. So JFC I think have extended the contract Chimachukwu. अब तो ये confirm हो चुका है Chimachukwu is staying. तो अगर छोड़ते then he would have been left by now. अगर स्कॉट कूपर अच्छा कोच था तो मोहन बगान को रख लेना चाहिए ना भाई. मुझे नहीं लगता कि मोहन बगान, देखो अगर स्कॉट कूपर को मोहन बगान लाती है आई विल बी हैप्पी. मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एज फार एज आई नो हिम, एज फार एज आई नो स्कॉट कूपर इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट उसके पास अच्छे फुटबॉलर्स है नहीं. बट प्रॉब्लम इज मोहन बगान विल नॉट लीव जुआन फर्नांडो, एंड छोड़ना भी नहीं चाहिए इन दैट सेंस. आई देखो मेरे अंदर का मोहन बगान फैन बोल रहा है अगर सैक कर दे तो कोई बात नहीं, बट अगेन फुटबॉलिंग ब्रेन इनसाइड मी इज लाइक जुआन फर्नांडो को छोड़ के किसको ले आओगे. मे बी अल्बर्टो का मिड सीजन में तो आएंगे नहीं, और हबास का जो हराम बॉल है वो मैं देख नहीं पाऊंगा. सो इट्स बेटर इफ स्कॉट कूपर कम्स टू मोहन बगान आई विल बी डिलाइटेड. प्रो स्पेनिश सीवी अल्बर्टो बोथिया का सीएफसी और बीएफसी के साथ रूमर है. भाई हजारों रूमर्स है, हजारों रूमर्स, बट आई विल ओनली डू कॉन्क्रीट न्यूज. मुझे रूमर्स वाले चीज नहीं करना, मुझे रूमर्स नहीं करने, ये प्रॉब्लम होता है भाई. विक्टर रिप्लेसमेंट, भाई विक्टर रिप्लेसमेंट टीम लेगी कि भी नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. बट अगेन आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट एज वेल कि कौन प्लेयर विक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं एट एफसी गोवा. यू गाइस कैन डू दिस. लाल चुंगनुंगा और सना टू मुंबई इफ भेके लीव्स. मुझे लगता है अगर भेके चले जाते हैं मुंबई से, मुंबई विल गो फॉर समवन लाइक अ हॉर्मीपाम और लाल चुंगनुंगा. साना मुझे नहीं लगता, क्योंकि साना इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ फुटबॉलर. लाल चुंगनुंगा और हॉर्मीपाम के पास पासिंग एबिलिटीज है, वो मुझे नहीं लगता. साना इज अ वेरी गुड डिफेंडर, बट बॉल प्लेइंग डिफेंडर मुझे नहीं लगता साना सिंह वो रोल खेलेंगे. प्रोना हल्दर इज ऑल्सो इंजर्ड, बट भाई वो अलग वीडियो होगा. वहां पे हम सिक्स साइनिंग्स के बाद फाइव साइनिंग्स विच कैन ट्रांसफॉर्म जमशेदपुर, वो अलग है भाई. यहाँ पे सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स की बात हो रही है. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी न्यूज, जब मिलेगा जरूर होगा रूपम सिंह भाई. भाई और नए जेएफसी प्लेयर्स के बारे में बताओ भाई. जितना देखो भाई, देयर इज नो रूमर्स इन द मार्केट. ये मेरा लिस्ट है. आई वांट दिस प्लेयर टू रिप्लेस द टू प्लेयर्स व्हिच हैव गॉन आउट टुडे. कोई रूमर नहीं है, और जितने भी रूमर्स है रूमर्स को बिलीव करना बंद करो. कॉन्क्रीट सोर्स जब आएगी तब बिलीव करो, जब खेलना हो मार्कस जैसे लोग बोलेंगे तब बिलीव करो. हर जगह में फेक न्यूज चल रहा है, डोंट बिलीव इन फेक न्यूज. फेक न्यूज में बिलीव मत करो. देयर वॉज अ फेक न्यूज की ये सैक हो गया वो सैक हो गया, फेक न्यूज के बाद फेक न्यूज. सो बच जाइयो गाइज, आज के लिए तो इतना ही है. वी विल अगेन मीट टुमारो आफ्टरनून. कल शाम को शायद मिलेंगे, दोपहर को ना मिल सकते बिकॉज आई विल गो आउट. सो कल शाम को मिलेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि देखो भाई आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है. हर एक दिन हम वीडियो ला रहे हैं, आप जैसा डिमांड कर रहे हो वैसा वीडियो ला रहे हैं. इन रिटर्न वी ओनली वांट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू गाइज. सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अनटिल एंड अनलेस इट्स गुड बाय फ्रॉम आम बैंड. टाटा गाइज, फिर मिलेंगे कल. चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गेट रेडी फॉर टू ट्रांसफर न्यूज. एक दोपहर को ट्रांसफर न्यूज और रात को अजीत ब्राइज के साथ अंडरस्टैंडिंग फुटबॉल. सो गाइज टाटा.